साइकोलॉजी न्यू फैक्ट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। गाना सुनने वाले लोगों में 80% लोग गाने का इस्तेमाल किसी दुख को, गम को या बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। आप एक बार में 3 से 4 चीजों को ही याद रख सकते हैं और आंखें बंद करने से भूले हुए चीजों को याद करने में ज्यादा मदद मिलती है। आंसू 2 तरह के होते हैं, खुशी के आंसू और दुख के आंसू। लेकिन जब इंसान खुशी से रोता है तो आंसू हमेशा दाएं आंख से पहले निकलती है, और जब इंसान दुखी होकर रोता है तो आंसू पहले बाएं आंख से निकलती है। विज्ञान के अनुसार आजकल के उच्च विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के कारण उतना ही तनाव झेलते हैं जितना कि 1950 के समय में एक मानसिक रोगी झेलता था। सोने से पहले अंतिम बार आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हो वो या तो आपके खुशी की वजह होता है या फिर आपके दुख की। अगर कुछ देर सोने के बाद भी आप अपने शरीर को महसूस कराते हो कि आपकी नींद पूरी हो गई है तो आपका दिमाग भी मान जाता है कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो गई है। जो भी व्यक्ति ज्यादा या बात बात पर कसम खाते हैं वे ज्यादा ईमानदार होते हैं और अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी के साथ रहते हैं। जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं वो दूसरे लोगों के झूठ को आसानी से पकड़ने में माहिर होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो भी व्यक्ति ज्यादा समय सूरज की रोशनी में बिताता है वह ज्यादा खुश रहता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वह खुद अंत में अकेला महसूस करता है या अकेला रह जाता है। हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं हमारे दिमाग में चलने वाले सभी बातों पर प्रतिक्रिया करती हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बुरा या गलत सोचते हैं तो शरीर बीमार पड़ जाता है। जब एक इंसान मरता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक चलता है जिसमें वह जिंदगी के कुछ यादों को सपने की तरह देखता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। ज्यादातर समय जब भी कोई बड़ा हमें पूछता है कि उन्हें हमसे कुछ जरूरी बात करनी है या कुछ पूछना है तो हमें वो सभी बुरे काम याद आ जाते हैं जो हमने हाल ही में किए थे। हमारे दिल का हमारे प्यार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, प्यार सिर्फ हमारे दिमाग का केमिकल रिएक्शन होता है। दुनिया में 18 से 33 साल तक के इंसान औसतन सबसे ज्यादा दुखी या तनाव में रहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइकोलॉजी न्यू फैक्ट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लगभग 90% लोग जिन बातों को बोल नहीं पाते उन्हें मैसेज लिखकर भेजना पसंद करते हैं। अगर आप सकारात्मक और खुश व्यक्तियों के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो आप खुद भी खुश महसूस करते हो। आपके कोई दोस्त ना होना या बहुत ज्यादा अकेले रहने से आप बीमार पड़ सकते हो और आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी होने की संभावना है। रोना शरीर के लिए बेहतर होता है क्योंकि किसी चीज के लिए रोने से आप उस तनाव को थोड़ा कम करते हो और आपका शरीर और दिमाग भी थोड़ी राहत महसूस करता है। बहुत से लोगों के लिए कुछ गाने इसलिए पसंदीदा बन जाते हैं क्योंकि वह गाना उनकी असल जिंदगी से कुछ हद तक मेल खाता है। फ्रांस को दुनिया का सबसे तनाव या दुख वाला देश माना जाता है। यहाँ पर हर 5 में से एक व्यक्ति किसी दुख या तनाव में होता है। पेरिस सिंड्रोम एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति पेरिस शहर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है लेकिन पेरिस पहुंचने पर शहर उसके उम्मीदों की तरह नहीं होता। ज्यादातर जापान से लोग पेरिस सिंड्रोम के शिकार होते हैं। अगर इंसान किसी चीज जो याद करके बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है।
बहुत से लोगों को किसी दिन कुछ खास या मजेदार काम करना हो जिससे उन्हें खुशी मिल रही हो तो उसके बारे में सोचकर उससे पहली रात उन्हें नींद ही नहीं आती या बहुत मुश्किल से नींद आती है। एक सामान्य इंसान को किसी भी चीज की लत लगने के लिए औसतन 66 दिन लगते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार लगभग 80% लोग जब नया पेन लेते हैं तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले अपना हस्ताक्षर या अपना नाम लिखते हैं। हमारा दिमाग भले ही सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज हो लेकिन ये कभी खुद से किसी इंसान का चेहरा नहीं बना सकता। इसीलिए जब भी हम सपने में किसी चेहरे को देखते हैं तो उसे हमने कभी ना कभी असल जिंदगी अखबार या टीवी में देखा होता है। हम सपना देखते हुए सपने में कभी नहीं मरते क्योंकि दिमाग को भी पता नहीं होता कि मरने के बाद क्या दिखाना है। इसीलिए जब आप सपने में ऊंचाई से गिरते हो या पानी में डूबते हो तो आपका दिमाग आपको जगा देता है और आपका वो सपना अधूरा ही रह जाता है। बहुत से लोगों को अपने से ज्यादा दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, फिर भले ही दोनों खाने एक जैसी रेसिपी से ही क्यों न बने हो। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का होता है कि जिस चीज को करने के लिए मना किया गया होता है उस चीज को करने के लिए यह ज्यादा उत्सुक रहता है। जो लोग ज्यादा भीड़ को देखकर अपने दोनों हाथों को जेब में डाल देते हैं वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपना सिरहा में हिलाता है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वह आपकी बात सुनकर बोर हो चुका है, लेकिन वह आपको ये बताकर नाराज नहीं करना चाहता। हमारा दिमाग भले ही बहुत तेज हो लेकिन ये मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत से काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अगर आप गाना सुनते हुए किसी काम को करते हैं तो आप ध्यान से गाना सुनोगे तो काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे और अगर काम को अच्छे से करोगे तो गाना अच्छे से नहीं सुन पाओगे। कुछ महिलाओं को चरम सुख की प्राप्ति केवल उनके बूब्स और निप्पल को टच करने से हो जाता है। और भी ज्यादा पुरुष महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए ओरल सेक्स करते हैं ताकि परम सुख की अनुभूति मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लड़की के लिए फीलिंग ही नहीं है, इसके बारे में मैं एक केस स्टडी आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक करीब करीब 30 साल का युवक मेरे पास में आया और फिर उसने बोला कि भाई मुझे अभी शादी करनी है, मेरा ब्याह पक्का हो गया है, अभी जनवरी महीने में आने वाले शादी करनी है, तय हो गई है और मुझे लड़की के लिए फीलिंग ही नहीं है। मुझे लड़के का बॉयज का विचार चित्र सोच दिमाग में से निकालना है। उसको मैंने पूछा कि भाई आपने कुछ सेक्स कभी किया है क्या लड़कों के साथ में, बॉयज के साथ में? बोले नहीं, कभी नहीं किया, मगर पहले से मुझे लोग बचपन से ऐसा बोलते थे कि भाई नहीं तू लड़की जैसा बात करता है, लड़की जैसे तेरी चाल चलन है, तेरी आवाज ही थोड़ी पतली है। मतलब ऐसा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में जैसा हमारी आवाज बदलती है या मूछ आती है या दाढ़ी आती है, तो उस समय भी थोड़ा मुझे लेट आ गई, तो लोग बोलते थे हमारे दोस्त वगैरह कि तू लड़की जैसी बात कर रहा है। तो फिर मेरा आकर्षण लड़कों के तरफ होने लगा और फिर मुझे लड़के अच्छे लगने लगे, तो विचार बार बार आते रहता है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तुमको ऐसा लगता क्या कि मैं लड़की हूंगा तो अच्छा रहेगा? नहीं नहीं, बोले वैसा तो कुछ भी है नहीं, मुझे लड़की होना ही नहीं है, ना लड़की जैसे विचार मेरे मन में है कि भाई मैं लड़की हूं, मैं हूं लड़का ही। लोग मेरे को ऐसा बोलते थे कि तू लड़की जैसी बात करता है या लड़की जैसी चाल है। मतलब लोगों को बोलने तो जो बोलना हो, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलेंगे। क्या होता है कि जब कॉलेज में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो बाकी लोगों का एक आधा गरीब स्टूडेंट रहा, दोस्त रहा, बेचारा कोई बोलते नहीं रहता है तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसको टारगेट करेंगे, उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो वो तो रहेंगे।
लोग बोलेंगे अगर कि तुम थोड़ा तुम्हारा सेक्स बदलने वाले या तुम थोड़ी बदलने वाले हो, तो मतलब वो छोड़ दो, लोग क्या बोल रहे थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बार तकलीफ लोगों को है, या वो कंप्लेंट लेके मेरे पास में आते हैं कि मुझे कॉलेज में लोग ऐसा बोलते थे कि तू लड़के जैसी बात करता है या लड़के जैसा बोलता है। मतलब वो छोड़ दो, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, आपको क्या लगता था। नहीं बोले मुझे तो कभी लगा नहीं, मगर मेरा आकर्षण लड़कों की तरफ जरूर था, मुझे लड़के अच्छे लगते थे और मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास में जाऊं, किस करूं, प्यार करूं, और उनके साथ में थोड़ा सा शारीरिक थोड़ा सा टच हो गया तो अच्छा लगता था। अभी वो मुझे विचार आते रहता है, मगर कभी मैंने सेक्स एक्चुअली इंटरकोर्स कभी किया नहीं है, मगर वो विचार मुझे निकालने का है कि मुझे जो फीलिंग है लड़कों के तरफ का, तो वो बदलना चाहिए, वो बंद होना चाहिए और मेरे लड़की के तरफ फीलिंग होना चाहिए। बोले आपने उसके लिए क्या किया। बोले मैंने एक बार टेस्ट करने के लिए मैं एक सेक्स वर्कर के पास में गया, उसको 400 रुपये दिए और वहाँ जाने के बाद में मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आई। फिर उसने मुझे समझाया, उसने मुझे बोला कि नहीं तुम इलाज करो, और काफ़ी अच्छी लड़की थी वो, और उसने मुझे बताया कि ठीक है आपको इलाज करना पड़ेगा कि आप आदमी में नहीं है। फिर तब से तो मुझे और ये लगा कि मैं पुरुषों के तरफ मेरा या बॉयज के तरफ मेरा आकर्षण हो रहा है, तो मैं लड़का नहीं हूँ क्या। हालांकि मुझे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूछ है, दाढ़ी है, सभी है। तो मैंने ठीक है, अभी वो एक ब्रेन पैटर्न आपका बना हुआ है, आपकी क्या इच्छा है। नहीं बोले मुझे तो शादी करनी है, जाने वाले महीने में मैं शादी करूंगा ही करूंगा, सिर्फ इतना ही है कि मेरी शादी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, शादी में मैं सेक्स नहीं कर पाया पत्नी के साथ में तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। बोले ठीक है, आपके ब्रेन पैटर्न ऐसे बने हुए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसा कुछ तो एक आकर्षण भरा हुआ है लड़कों के बारे में, अभी आप खुद बोल रहे करके हम कोशिश करेंगे बदलने की और वो हो सकता है। तो फिर मैंने उसको कुछ मेडिसिन दिए कि जो मेडिसिन से इरेक्शन आता है, और फिर मैंने बोला कि इरेक्शन आने के बाद में आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, और इमेजिन और विजुअलाइज करके भाई अपन लड़की के साथ में सेक्स कर रहे ऐसी कल्पना करो, बातें कर रहे सेक्स कर रहे ऐसी कल्पना करो। और मैंने उसको हिप्नोथेरेपी भी दिया, उसके सेशंस उसके लिए, और उसके सेशन में फिर धीरे 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 उसको फर्क, क्योंकि हम हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं, उसको विजुअलाइज करवाते हैं, उसको इमेजिनेशन करवाते हैं, क्योंकि तू गर्ल के साथ में लड़की के साथ में, वो विजुअलाइज करना, वो फोटो देखना, वो पिक्चर देखना, अपन उसमें इन्वॉल्व हुए लड़की के साथ में वो देखो। और जब बार 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 आप ऐसा अफर्मेशन देंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ब्रेन को, हमारा जो ब्रेन पैटर्न है उनको भाषा समझती नहीं है, उनको चित्र समझता है, तो वो चित्र बार 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 सामने लाने का है, तो उसे फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मैंने बोला। काफ़ी उसने कोशिश किया, 4-5 महीने के बाद में वो मुझे मिलने के लिए आया, बोले कि नहीं बहुत अच्छा फर्क है, और वो विचार अभी मेरे चले गए, वो जो आकर्षण था लड़कों के प्रति वो भी चले गया, मुझे लगता है कि अभी मैं लड़की के साथ में सेक्स कर सकूंगा और मेरा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं अकेला जब रहता हूँ तो इरेक्शन भी आता है लड़कियों के विचार आने के बाद में, और मुझे ठीक लगता है। तो इसमें क्या है कि ये ब्रेन पैटर्न बन जाते हैं, और ब्रेन पैटर्न बन गए तो उनको हम बदल सकते हैं। जब बार बार हैमरिंग करते, बार बार आत्म सुझाव देते, बार बार अफर्मेशंस देते हैं, तो उसमें काफ़ी फर्क पड़ के लोग अच्छे हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज उसके उपलब्ध है। ये वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो में ये लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच।